और वहीं कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के बयान पर पलटवार किया है। भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए कहा है कि भाजपा के पास ऐसी कोई जेल ही नहीं बनी जो हुड्डा को कैद कर सके। हुड्डा ने कहा कि वे ऐसी ही आवाज उठाते रहेंगी। हरियाणा सरकार के 9 साल पूरे होने पर हुड्डा ने निशाना साधते हुए सरकार से 9 सवाल भी पूछे हैं। कई बार जवाब दे चुके हैं और जो है कोई ऐसी धमकी नहीं है इनके पास और कोई ऐसी जेल नहीं बनी बीजेपी के पास जो हमें ईमानदारी से लोगों की लड़ाई लड़ने से रोक सके। मेरे परदादा जी को काले पानी की सजा हुई थी अंग्रेजों के समय। मेरे दादाजी 8 साल जेल में रहे अंग्रेजों की काली कोठड़ियों में। तब ये नहीं पता था देश आज़ाद होगा कि नहीं होगा, तब भी हमने जायज लड़ाई लड़ी थी। हुड्डा साहब में वो संस्कार हैं, हमारे में वो संस्कार हैं। हम ईमानदारी से हरियाणा वासियों की, देशवासियों की, भारतवर्ष की लड़ाई लड़ने के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। बीजेपी के पास कोई ऐसी धमकी और कोई ऐसी जेल नहीं है जो हमारी उस लड़ाई में लड़ने में हमें रोक पाएगी। ये हम उस जवाब पर जो उन्होंने बोला ना उसको आप सुना देना जिन्होंने बोला। और दूसरी बात, ये जो बारी बारी बोलते हैं कि ये जो है ये आज नहीं बोल रहे, 9 साल से बोल रहे हैं। क्या ये कोर्ट है? क्या ये जज हैं? कैसे बोल सकते हैं? कोई सरकार में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, आज आपने बोला, मेरे से प्रश्न पूछा कि इतने घोटाले गिनवाए, तो मैंने यही कहा कि जांच होनी चाहिए और जांच के उचित कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने नहीं कहा कि किसी को जेल में डलवाएंगे, किसी को जेल, क्योंकि ये तो प्रजातंत्र का तो ये तो नियम है कि जांच हो। ये इनको किसने अधिकार दिया भाई ये कहने के लिए? और यही हम कह रहे हैं कि प्रजातंत्र को बचाने की भी लड़ाई है।